बुरी नहीं इसमें चलती है। अब मैं इसलिए पैदल चल के इसका सर्वे किया था कि कहां से निकलेगा, क्या होगा, फिर टेक्निकल जो प्रॉब्लम आ रही है किसकी वजह से, जो ये हमारी सुधमानदेव खलेनी नेशनल हाईवे जा रही है, इसका मैं परिवार साहब को जब देखो बटग्रा से बेहतर तक कितने ढेर लगे रोड पे बहुत ज्यादा है, बाकी में भी बोलना होगा। हमारे कुछ लोग 14 का वो टर्म जब बेहतर से जो टीम नौजवान टीम हमारे साथ उसी जो एक टाइम यहाँ उनको बताया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ तो उस वक्त ये देखा गया कि ये किसको गुलाम हुसैन को पड़ा मशकूर, ये जानबूझ के 120 क्या बदला 370 के बाद। हमने कहा कि लोगों का माइंडसेट बदल रहा है, जो लोग आजादी के नारे लगाते थे वो आज भारत माता की जय करते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव। चैत में हमारा नुमाइंदा नहीं होता है, जब हमारा पंच नहीं होगा वहां से ज्यादा लोग नहीं देते। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आने वाले टाइम में भी इस देश में अगर कोई सरकार बनेगी, अप्रैल के महीने में चुनाव होना भी बड़ा लंबा टाइम है, बड़ा गठजोड़ किया जा रहा है और मोदी जी ने यह कहा कि यह भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ है। जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो ये कहा है कि अगली बार भी तिरंगा जो है मैं ही लहराऊंगा, उसके लिए हम आज से ही शुरू हुए हैं कि जो आने वाला पार्लियामेंट का चुनाव होगा उसकी तैयारी आप ये मान के चले कि आज यहाँ मरम्मत से शुरू हुई है। और मैंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि आप अपने अपनी पंचायत में अपने अपने पोलिंग बूथ पे नए लोगों को जोड़ने का काम करिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कीजिए। मैंने यहाँ पर कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि पंचायत और जो अभी आने वाले टाइम में म्यूनसिपलिटीज़ के चुनाव के बारे में कहा जा रहा है उसके लिए तैयारी पार्टी अपने लेवल पे करें। जहाँ तक असेंबली का सवाल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तय करना है, और ये जो काम जो हो रहा है ये चाहे पंचायत हो चाहे असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो, काम तो यही होना है कि भाई हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तैयारी तो हमारी चल रही है, जब अनाउंस करेंगे तो पार्टी उसके लिए तैयार। यहाँ से जीतने MLAs ने वहाँ वजीर आला बनाना होता है। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि मैं उनके किसी कोई कार्यकर्ता जो बात करते हैं उनसे पूछ रहा था, यार आप जो नारे देते हो कि हमने बनाना है, वो बनाना किधर से, वो जो कोई गए थे उस पार्टी में वो सारे वापस हो गए, अब बचा कौन है वहाँ, एक राइट और एक लेफ्ट जो अक्सर स्कैंडल में फंसे रहे, जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व रहे। मैं पूछना चाहता हूं DAP के लीडर को कि जो आपके राइट और लेफ्ट है इनका पता कीजिए, एक के खिलाफ अगर वारंट इशू होते हैं, एक अगर JIC में रहा है उस वक्त के हालात क्या थे, इनकी वजह से रहे हैं, तो ज़रा अपने इतिहास को भी जानिए। लोगों को अब समझ आ चुकी है, जो लोगों को ये कहा जाता था कि नहीं यहाँ पर पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है।